सुप्रभात बच्चों, टोपी शुक्ला की मैंने आपको 5 प्रश्न उत्तर लिखवा दिए थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इसमें टोटल है आपके 11 क्वेश्चन, 5 मैं लिखवा चुकी हूँ, 6, 7, 8, 9 ये 4 आज कर लेते हैं, 10 और 11 करेंगे बाद में, क्योंकि 10 वाले के 3 पार्ट है, वो भी बड़े हैं, ठीक है। तो इसका छठा क्वेश्चन देखो क्या है, छठा क्वेश्चन है, टोपी ने इस्फन से दादी बदलने की बात क्यों की थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो इसका लिखेंगे बच्चों, टोपी को इस्फन की दादी से अत्यधिक प्यार मिला था, टोपी को उनके पास रहना अच्छा लगता था, दादी की भाषा, उनका भोलापन उसे अच्छा लगता, टोपी को अपनी दादी से नफरत थी, उसकी दादी अपने आप को अच्छे रूप में पेश करने के लिए टोपी की भाषा को गवारों की बोली कहती तथा तमाम अवसरों पर टोपी की उपेक्षा करती रहती। टोपी ने दादी का असली रूप इस्फन की दादी में देखा था, इसलिए उसे इस्फन के सामने दादी बदलने की बात की थी। यह बच्चों के भोलेपन का सुंदर नमूना है तथा प्रेम की चाहत का स्वाभाविक चित्रण भी, ठीक है। नेक्स्ट है 7th वाला, पूरे घर में इस्फन को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह क्यों था, उत्तर लिखेंगे, इस्फन को अपनी दादी से बड़ा प्यार था, उसे अपने पिता, बहन, माता तथा छोटी बहन नुजहत से भी लगाव था, किंतु दादी में तो जैसे उसके प्राण बसते थे, घर के अन्य सदस्य उसे कभी कभार डांटते डपटते या फिर पिटाई भी कर डालते, छोटी बहन भी उसकी कॉपियों के पन्नों से हवाई जहाज बनाने लगती, बस एक दादी थी जिन्होंने कभी इस्फन का दिल नहीं दुखाया था, वह रात को उसे ढेर सारी कहानियां सुनाया करती थी, उसे दादी की ग्रामीण बोली बड़ी अच्छी लगती थी, इस्फन भी अपनी दादी की तरह बोलना चाहता था पर उसके अब्बू उसे नहीं बोलने देते थे, इस्फन अपनी दादी से के प्रेम तथा उनकी सादगी से अत्यधिक प्रभावित था, दादी के प्रति उसका स्नेह पारिवारिक परिस्थितियों तथा उसकी भावुकता के कारण विकसित हुआ था, ठीक है। 8th है, इस्फन की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगा, टोपी इस्फन की दादी में स्वाभाविक रूप से एक आदर्श दादी की छवि देखता था, अपनेपन की खोज में वह यहाँ तक आया था, उसकी खोज का एक हिस्सा इस्फन की दादी के रूप में पूरा हुआ था, मतलब उसने जो एक खोज की थी कि उसे कोई अच्छा आदमी चाहिए था जिसको वह अपनी सारी बात बता सके, तो उसको वो हिस्सा किसने मिला था, इस्फन की दादी के रूप में प्राप्त हुआ था। टोपी को इस्फन की दादी के पास बैठना अच्छा लगता था, टोपी को उनका हर शब्द शक्कर का खिलौना बन अमावट तथा तिलवा यानी तिल के बने व्यंजनों जैसा मीठा लगता था, उसकी भाषा टोपी के दिल में उतर जाती थी। इस्फन के पूरे घर में टोपी केवल दादी से ही घुला मिला था, वह परिवार के अन्य सदस्यों से बात भी नहीं करता था, ना उनके पास बैठता, दादी भी उससे अत्यधिक स्नेह करती थी, वह टोपी का हालचाल भी पूछती थी, टोपी को इस्फन की दादी अपनी माँ की तरह ही दिख पड़ती थी। इस्फन की दादी की मृत्यु के बाद से ही टोपी को इस्फन का घर बेगाना सा लगने लगा था और अन्य पारिवारिक सदस्यों से अधिक स्नेह नहीं होने के कारण उसे घर खाली सा लगने लगा था, ठीक है बच्चों। अब है 9th, टोपी और इस्फन की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे पर एक अनजान अटूट रिश्ते में बंधे थे, इस कथन के आलोक में अपने विचार लिखिए, क्या है ये देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। टोपी और इस्फन की दादी भिन्न भिन्न धर्मों के होते हुए भी जिस तरह स्नेह की डोर में एक दूसरे से बंधे हुए थे, वह मानवीय मूल्यों की दृष्टि से प्रत्येक समाज के लिए अनुकरणीय आदर्श बन सकते हैं। टोपी कट्टर हिंदू परिवार से था जबकि इस्फन की दादी मुसलमान परिवार से जुड़ी हुई थी, दोनों के बीच धर्मों की भिन्नता होने के बावजूद भी टोपी को इस्फन की दादी से अत्यधिक अपनापन मिला था। इस अकेलेपन को दोनों ने आपसी प्रेम तथा सम्मान की भावना को एक दूसरे के लिए बांटकर साझा कर समाप्त किया था। दोनों के बीच न कोई धर्म की समानता थी, न संस्कृति की और न ही उम्र की, इसके बावजूद दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति अपार प्रेम और स्नेह की भावना थी।
दोनों एक दूसरे के बिना स्वयं को अकेला महसूस करते थे। टोपी ने इफन के घर जाने के लिए अपने घर पर मार भी खाई थी, लेकिन इफन की दादी से मिलना उसने नहीं छोड़ा। आज के समाज में जो लोग धर्म और जाति को बहुत महत्व देते हैं, वे अनिवार्यतः मानवता के मूल्यों को नहीं समझते, उनके महत्व को ओंक नहीं पाते। समाज में मानवीयता टोपी एवं इफन की दादी जैसे लोगों की वजह से ही कायम है और इन्हीं से मानव समाज अपना अस्तित्व बनाए हुए है। अगर ऐसे लोग ना हो तो क्या हो? जातिगत भेदभाव बढ़ जाए, सभी एक दूसरे के शत्रु बन जाए। अगर हम एक दूसरे के धर्म की इज्जत नहीं करेंगे तो हमारा जो प्यार है, जो हम एक दूसरे से मिलकर रहने की जो भावना है, वो कब की खत्म हो जाए। ठीक है, तो बच्चों ये आपको 6 to 9 क्वेश्चन करने हैं। 10th और 11th में नेक्स्ट क्लास में कराती हूँ। ओके बच्चों, थैंक यू।